हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे अपने कॉल परफॉर्मेंस की। ये वीडियो ऑप्शंस के कॉल परफॉर्मेंस की पोस्टमार्टम का है। ऑप्शंस की रणनीति आप लोगों को मेथडोलॉजी तो पता है, मैं फिर से दोहरा देता हूं। 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो अज्यूम किया है, 8 लाख रुपए हमने इक्विटी में डाल दिए हैं, 1 लाख रुपए हमने कमोडिटी में डाल दिए हैं और 1 लाख रुपए हमने ऑप्शंस के लिए डाल दिए हैं। वो 1 लाख रुपए जो है वो उसका पोस्टमार्टम है कि हमने उन 1 लाख रुपए पे आपको क्या क्या सजेस्ट किया। बात करते हैं वीकली की, फिर बात करेंगे शुरू से लेके अब तक की क्या स्टेटस है। इस वीक में यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, अभी सिर्फ एक हफ्ता गया है, 5 दिन हुए हैं, 5 दिन में हमने टोटल नंबर ऑफ कॉल जनरेट किए हैं 4। इस वीक का मोमेंट बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड थी, तो आप लोगों ने सब ऑब्जर्व किया होगा। हम लोग भी इतना यू नो अग्रेसिव नहीं हो पा रहे थे कि क्योंकि ईदर वेज ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था। टोटल नंबर ऑफ कॉल जनरेट किए थे 4, जिसमें से टारगेट हुआ है सिर्फ 1 का। स्टॉप लॉस हिट हुए, एग्जिटेड लॉस किए 3। निफ्टी का कॉल दिया 1, बैंक निफ्टी का कॉल दिया 1। तो टोटल 4 कॉल जनरेट किए हैं, जिसमें से स्टॉप लॉस में एग्जिट किए 3 का, टारगेट 1 का हिट हुआ है। निफ्टी का भी जो कॉल दिया था वो लॉस में ट्रिगर हुआ है, और जो बैंक निफ्टी का कॉल दिया था वो भी वो प्लस में एग्जिट हुआ है। आज की डेटा एंट्री रह गई मेरी, वो आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन वो भी प्रॉफिट का कॉल है। चलिए इसमें मैं वो कॉल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट ऑब्वियसली ज़्यादा दिखेगा अगर मैं वो कंसिडर कर लेता हूँ तो, क्योंकि वो आज आप लोगों को स्पेशल वीडियो अपलोड की थी और उसमें वो बोला था बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए 750 के आसपास, 600 के टारगेट के लिए, ध्यान रखिएगा। तो टोटल प्रॉफिट निकला है हमको ऑप्शंस की ट्रेडिंग से 4300 रुपये का, मात्र 4300 रुपये का। भैया बहुत है, कुछ नहीं से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ROI निकली है, और वैसे भी 1 लाख रुपए के पीछे 4300 रुपये निकला है ना, तो ROI हो रही है अपनी 4.30%। और कंजर्वेटिव होना तो मेरा अधिकार है, अधिकार क्या, मैं आप लोगों के लिए कंसिडर होता हूँ। क्या आप लोग ये नहीं बोलो कि यार मेरे से ये नहीं हुआ था, मेरे से वो नहीं हुआ था, मेरे को तो टैक्सेस इतने लग गए। 4.3% में से टैक्सेस माइनस कर देते हैं 30% टैक्सेस, ब्रोकरेज, ETC, तो बचता है इफेक्टिव ROI बचती है अपनी 3.01%, उसमें से भी 30% माइनस कर देते हैं एज यूजुअल। आई लाइक टू बी मोर कंजर्वेटिव, तो 30% माइनस कर देते हैं कि आपसे कॉल ही एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो भी इफेक्टिव ROI वीकली इफेक्टिव ROI अपनी बन रही है 1.72%। ये 1-2% तो महीने का ब्याज मिलता है बाजार में। 4300 रुपये भी आप छोटा छोटा प्रॉफिट ना, बहुत बड़ा होता है ईयर एंड पे। आप सब ट्रेडर लोग इस बात को नहीं समझते, सिर्फ सोचते हो कि आज उठाऊं, आज लखपति बन जाऊंगा, उस हिसाब से सौदा डालते हो और एंड ऑफ द डे लॉस में कटते हो। फिर दूसरे दिन जब ट्रेडिंग चालू करते हो तो पिछले दिन का लॉस दिमाग में रहता है, आज फिर लॉस करते हो। ये वजह है, मैक्सिमम ट्रेडर सिर्फ इसी वजह से, इस माइंडसेट की वजह से लॉस खाते हैं। ट्रस्ट मी यार, हर जगह से लात वात खा के हम लोग यहाँ पर आए हैं, 15 साल डाले हैं इस इंडस्ट्री में, साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं ट्रेडर की। तो अगर इसी वर्स्ट, ये तो वर्स्ट वीक था एज पर मी, इससे शायद वर्स्ट वीक आगे ना निकले, टचवुड, ऐसा मैं प्रे करता हूँ। अगर इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं तब भी हमारी इफेक्टिव ROI मंथली जाती है 6.88%। दैट टू इज यू नो इन द वर्स्ट सिनेरियो, इफ यू कंटिन्यू विद दिस ROI तब भी 6.88% मंथली रिटर्न आ रहा है, विच इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बैंक FD में मिलता है बहुत 60%, मैं आपको वर्स्ट सिनेरियो में 6.88% दे रहा हूँ, इजंट इट गुड। चलिए अब हम बात करेंगे शुरू से लेके अभी तक, जब से मैंने वीडियोस अपलोड करना चालू किए हैं और अभी तक क्या स्टेटस है। टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जनरेट किए 23, टारगेट हिट हुए 12 के, एग्जिटेड लॉस हुए 3 के, जिसमें से निफ्टी के कॉल्स, बैंक निफ्टी के कॉल्स है, निफ्टी के कॉल्स है 5, बैंक निफ्टी के कॉल्स है 3, और टोटल प्रॉफिट ऑप्शंस की ट्रेडिंग से आया हमको 8,813 रुपये, और निफ्टी से आया हमको 18,525 रुपये, और बैंक निफ्टी से आया हमको 43,000 रुपये।
तो टोटल प्रॉफिट 44 दिन का, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करते हुए आप लोगों के समक्ष आते हुए 44 डेज हो चुके हैं, इंक्लूडिंग हॉलीडे, सैटरडे संडे सब इंक्लूड कर लिया है। तो प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपका 70,338 रुपये। 70,338 रुपये मतलब समझ रहे हैं आपको, 70.34% का ROI। हो जाते हैं कंजर्वेटिव, 70.34% में से हमने 30% माइनस कर दिया गवर्नमेंट टैक्सेस को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इफेक्टिव ROI बचती हमारी 49.24%। इसमें से और कंजर्वेटिव हो जाते हैं, मुझे यार इतने बड़े बड़े फिगर दिखाने में ना आप लोगों को कोई लालच नहीं देना है कि मैं कल ही ये एक साल बाद करोड़पति बनने वाला हूँ, लखपति बनने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे। 30% फिर से माइनस कर देते हैं हम कि आपने सौदा एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। देखो बॉस, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ दो तरह से काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर इस मार्केट में, कोई भी मार्केट हो, एक अपने खुद के दिमाग से या फिर दूसरे के दिमाग से। आधा दिमाग उसका आधा दिमाग इसका काम नहीं होगा कभी। अगर आपको अपने दिमाग से काम करना है तो 5-7 साल 10 साल डालो मार्केट में, लॉस होगा प्रॉफिट होगा सब बर्दाश्त करो, फिर अपने पूरा अपने दिमाग से काम करो। और दूसरे के दिमाग से काम कर रहे हो तो पूरा के पूरा ट्रस्ट करो, आधा उसका आधा मेरे में हमेशा लॉस में खाओगे, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड। तो अगर इसी कंसिस्टेंसी को तो हमारा इफेक्टिव ROI 44 दिन का हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस, आफ्टर डिडक्टिंग यू नो नॉन एग्जीक्यूबल नॉन एग्जीक्यूटेड सौदास, 28.14% ईयरली, ईयर एंड पे 365 दिन इंक्लूडिंग हॉलीडे, पता है आपको कितना ROI निकल रहा है, 233%। यानी आप इस सिनेरियो में मैं कंटिन्यू रहता हूं तो आपका 1,00,000 रुपए 3,34,000 रुपए हो जाएगा, 3,33,000 रुपए के आसपास। और क्या चाहिए बॉस, करना क्या आपको तो पता ही है, मैं इतनी बार बोल चुका हूं, मोबाइल लेना है उसमें एप्लीकेशन खोलना है, मैंने जो बोला सौदा ला डालना है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, बस फिर से एंड ऑफ द डे देखना है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा अगर आप लोगों को अमीर बनना है, आप लोगों को अपनी कमाई हुई पूंजी को प्रोडक्टिव बनाना है, तो ये काम करना ही पड़ेगा, वरना आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। बाकी सबकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, ये भी करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी इन सबका फ़ायदा उठा सके। सबका भला करोगे तो आपका भी भला होगा, फैलाओ वीडियो को। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मेरी बताई हुई रणनीति को, मेरे बताए हुए सौदे को, मेरी बताई हुई टिप्स को वहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीक अपनी खुद की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम लेके, गलत गड़बड़ किया है गड़बड़ पेश करूँगा, अच्छा किया अच्छा पेश करूँगा, लेकिन जो भी करूँगा डंके की चोट पे करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय बाय।